आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में एक तरफ राहुल गांधी की सजा के बाद अपील पर चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अचानक चुनाव के समय दलित प्रेम नजर आने लगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष जो कि अखिलेश यादव के विपक्ष में है, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। अखिलेश यादव यहां पर समाजवादी पार्टी को नए सिरे से जोड़ने का प्रयास करते नजर आ रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने अपने चाचा यानी प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को जोड़ा था। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी कर चुके हैं। कलकत्ता में बैठक हुई तो उसके माध्यम से 24 की रणनीति बनाई जा रही थी, तो अब यहां पर रणनीति बनाई जा रही है निकाय चुनाव की, और उस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है जिस वोट बैंक सबसे ज्यादा है। जी हाँ, वो वोट वर्ग है दलित वर्ग। जी हाँ, वो वोट वर्ग है पिछड़ा वर्ग, और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। शुरुआत अगर कहे तो समाजवादी पार्टी में MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरण मानस की तमाम दोहियों को चौपाइयों को लेकर जो चर्चा की थी, उसके बाद अखिलेश यादव उस चर्चा में शायर उनका मुख समर्थन करते नजर आए थे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने तमाम मामलों पर तमाम समय पर यह बात कही थी कि उनका निजी बयान है। खैर, चर्चा होती रही और तमाम तरह के पोस्टर बार भी शुरू हुए। गर्व से कौम शूद्र है और अपने आप को दलित वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को बताती रही। अगर यहाँ सपा की बात नहीं भी करें तो यहाँ पर जो भी पार्टी है, चाहे हम भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों का कहना है कि हम इस वर्ग के साथ हैं। पर इस वर्ग के साथ वास्तव में कौन है, ये सारे वर्ग जानता होगा या जानती होगी जनता। खैर, यह जनता को भी पता है, जो हमारे राजनीतिक दल है उनको भी पता है कि इस वर्ग के साथ कौन कितना है। इस वर्ग का नाम लेने के लिए, इस वर्ग का केवल लाभ उठाने के लिए सभी आगे आते हैं, पर इस वर्ग के साथ सुख दुख में खड़े होने के लिए कौन साथ आता है, ये इस वर्ग को भली भांति जानकारी है। खैर, यहाँ पर जो चर्चा थी वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि अखिलेश यादव आज रायबरेली गए और वहां पर उन्होंने मानवर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के साथ वहां पर सबसे पहले जो दर्ज हुआ वो हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती को। जैसे अनावरण हुआ उसके बाद तुरंत उन्होंने टिप्पणी कर दी, और टिप्पणी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि सपा हमेशा दलित के साथ खड़ी रहती है और यहां पर केवल राजनीति के लिए इस तरह की टिप्पणी आ रही है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस वर्ग का साथ दे रहे हैं, तो सबको दिक्कत क्या है। ये वर्ग हमेशा अब तक अछूता रहा है, इस वर्ग के साथ हमेशा शोषण हुआ है, इस वर्ग का किसी ने साथ नहीं दिया है। और अगर समाजवादी पार्टी हमेशा से वर्ग की बात करती आई है, अगर इसके लिए अनावरण कर रही है, अगर इस वर्ग के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, तो दर्द किसको है। अगर अखिलेश यादव ने यहाँ पर पहले अगर हम बात करें तो परशुराम की भी प्रतिमा का अनावरण किया था, उसको लेकर भी लगातार चर्चा के दौर जारी थे, बयानबाजी के दौर जारी थे। भाई होता क्या, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर उसके बाद उनके लिए एक अलग तरह की धारणा तब्दील की जाती है, वो धारणा तब्दील करती है सत्ताधारी पार्टी और धारणा तब्दील करती है अन्य पार्टियाँ। खैर, इस महत्वपूर्ण चर्चा के समय एक बात और स्पष्ट होती है कि आखिर इस दलित वोट वर्ग यानी इस पिछड़ा वर्ग यानी इस कमजोर वर्ग का साथी है कौन। साथी सब है या साथी कोई नहीं है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई मायावती जी ने कहा है, आज तो मायावती की स्पष्ट टिप्पणी है, मायावती जी ने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड नहीं होता तो बसपा सपा का गठबंधन कहीं और जाता, कहीं और पहुंचता। यानी मायावती के साथ जिस प्रकार से उनका अपमान करने का काम, उनके सम्मान उछालने का काम लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया गेस्ट हाउस कांड में, मायावती जी और दलित वर्ग उसको कभी भूल नहीं सकता। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो भले ही अनावरण करें उससे कोई उनका दलित प्रेम जागेगा या दलित वोट उनको मिल जाएगा या दलित के पाले में हो जाएगा, मुझको लगता नहीं है। अखिलेश यादव जी की जमीन वो सरक चुकी है, धरक चुकी है, आज उनके पास समर्थन नहीं है। और ये जो दलित वर्ग है, ये विशेष रूप से जिसको आदरणीय माननीय काशीराम जी ने सींचने का काम किया, मायावती ने सींचने का काम किया, मायावती ने जिसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से बढ़ाने का काम किया,
तो अखिलेश यादव का यह स्पष्ट कहना था कि जिस काशीराम ने उस पार्टी को बनाया उसी वर्ग के नेता अब उसके प्रतिमा के अनावरण के विरुद्ध में बयान दे रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है। अब दर्द किसको है और वास्तव में इस वर्ग का हितैषी कौन है, यह महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, क्योंकि इस वर्ग से सल्तनतें तय होती है, सरकारें तय होती है, सरकारी बनती है और सरकारें गिनती भी हैं। और सरकार के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुख दुख में कौन खड़ा होने वाला है इस वर्ग के, चर्चा विषय महत्वपूर्ण है। मैं जरूर करा रू प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन भाई जी अपनी बात रखेंगे, दयाराम भार्गव सुभाष पर अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपना पक्ष रखेंगे और नेता आपसे जनक प्रसाद अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता सपा से रहेगा, नितिन भाई जी कैसे देखते हैं अगर यहाँ पर अनावरण हुआ है उस वर्ग के साथ, अगर अखिलेश यादव अपनी बात करने जा रहे हैं, इस वर्ग का साथ देने जा रहे हैं, तो दर्द क्या है? खैर दर्द यहाँ पर यह भी है कि केवल चुनाव के समय वर्ग याद क्यों नहीं आता है, उसके पहले याद क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर चर्चा की बात करें तो केवल चर्चा यहाँ पर चलती रहती है, ये वर्ग हमारा है, पर इस वर्ग के लिए कोई काम करना नहीं चाहता। खैर यहाँ पर अगर अखिलेश यादव ने पहल की है तो उसका दर्द क्यों हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता है गौरव जी कि ये दर्द किसको हो रहा है, ये दर्द साफ होना चाहिए जी। समाजवादी पार्टी जी का मूल लक्ष्य हमेशा जी शोषित और पीड़ित जी वंचित जी इनके अधिकार की लड़ाई लड़ना जी, ये सदैव से समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यही सिद्धांत जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी ये नारा देती थी, संसोपा ने बांधी गांठ, सौ में पिछड़े पांव में साठ, हम उसी सिद्धांत पर जी चले और सदैव से आदरणीय नेताजी ने इस लड़ाई को और इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जी। और आज इस बात को लेकर के लोग कह रहे हैं दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चर्चा हो रही, मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई नया काम किया है जी। जो हमारी विचारधारा थी जी, उस विचारधारा को, जो नेताजी की विचारधारा थी जी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जी, है जी, आप सबको याद होगा, मुझे लगता सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कि माननीय काशीराम जी जी ने 1971 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ जी। ठीक, तो उसमें वो दलित, बार बार लोग कहते हैं दलित नेता, दलित कार्ड, दलित, यहाँ दलित की बात कहाँ गई? मानवर काशीराम जी खुद भी कभी दलित नहीं थे जी, जी। उन्होंने हमें जो संगठन बनाया था उसका नाम था अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारियों का महासंघ, वहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और माननीय काशीराम जी को पहली बार लोकसभा में, सदन में अगर किसी ने भेजा तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने 1991 में इटावा से मानवर काशीराम जी को लोकसभा का सांसद बना करके भेजा जी। और उस विचारधारा को हमेशा अम्बेडकरवादी और लोहियावादी हमेशा मिलकर के माननीय नेताजी ने इस बात को आगे बढ़ाया, दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का जहां भी शोषण हुआ है जी, जो भी शोषित वर्ग रहा है उसकी लड़ाई नेताजी ने हमेशा सड़कों में लड़ी, संसद में लड़ी, विधानसभा में लड़ी और उस लड़ाई को आज आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जी। इसमें हमें लगता है कि बाकी लोगों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि उनका तो सहयोग करना चाहिए कि हाँ जो नेता अगर कोई किसी राजनीतिक दबाव में किसी ईडी सीबीआई के डर से यदि दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और शोषित वंचितों की बात नहीं कह पा रहे हैं, ये लड़ाई अगर एक मजबूत समाजवादी नेता जो सड़कों में भी उतर रहा है, सदन में भी संघर्ष कर रहा है और वो महामानव जिन्होंने दलितों पिछड़ों की चेतना जगाने का काम किया जी, और उसके आगे उस लाइन को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आगे बढ़ाने की, तो उनकी एक बुक थी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब को पढ़ करके 1964 में मानवर काशीराम जी इस आंदोलन में आए थे और लगातार उन्होंने अपने जीवन में जी। इसी लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया। मानवर काशीराम जी हमेशा एक नारा जब नारा लगाते तो एक बात कह देते थे कि अगर इसमें कोई ऊंची जात का व्यक्ति हो तो हमारी सभा से चला जाए, क्योंकि हम कुछ ऐसी बात कहेंगे कि हो सकता है ऊंची जात के लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन बाद में
उन ऊंची जाति में भी जो प्रगतिशील सोच के लोग थे, जो मानते थे कि कुछ वर्ग विशेष के लोग दलितों पिछड़ों का शोषण करते हैं, वो भी उनके साथ बाद में आकर के खड़े हुए और हमेशा उन्होंने प्रगतिशील सोच के लोगों को लेकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी के चलते बहन मायावती जी आज कुछ भी कहें, लेकिन बहन मायावती जी को बहन मायावती बनाने वाले मान्यवर काशीराम जी थे। अच्छा। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के विचारों को आज बहन मायावती जी ने जी। जब आगे बढ़ाने का काम बंद कर दिया किसी भी कारण से। अच्छा। उस कारण पे भी नहीं जाना चाहूंगा। अरे जाइए जाइए भाई, माननीय नितिन भाई आप बोल सकते हैं, सपा प्रमुख तो बोले की भाजपा का गठबंधन करके आगे बढ़ रही है, बसपा सुप्रीमो के बारे में उन्होंने कहा है, तो आप भी बोल लीजिए क्या सर। अभी बहुत सारे वक्ता बोलेंगे, मुझे लगता है अगले राउंड के लिए भी कुछ छोड़ दोगे। ठीक है नितिन भाई। अच्छा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जी, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है, निश्चित रूप से मैं वही बात कह रहा हूँ गौरव भाई की समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा थी जिसको मान्यवर काशीराम जी ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और बहन मायावती को मायावती बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मान्यवर काशीराम थे। लेकिन उनकी विचारधारा को अगर आज किसी ने गिरवी रखने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के हाथों को, तो उसको अगर आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि सारे लोगों को अप्रिशिएट कर दी। नितिन भाई गिरवी रखने वाली बात आपने गायब कर दी बीच से, गिरवी रखने वाली बात मैंने कहा, मैंने क्या कहा, नहीं आपने कहा गिरवी काम आप पूरा करेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है, सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता सब भाजपा। विवेक भाई यहाँ पर बात तो नितिन भाई ने की है और कुछ चीजें मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, कह रहा है और वक्ता भी बोलेंगे, क्या राय है आपकी? स्मृति ईरानी को भी अखिलेश यादव ने घेरा है, अनावरण किया है, बसपा सुप्रीमो का बयान भी आया है, अखिलेश यादव ने एक परिपक्व नेता के तरह उनको जवाब भी दिया है, यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो ने गेस्ट हाउस कांड भी याद दिला दिया है, और अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि बसपा जीरो पे थी, हम साथ में आए तो 10 सीटें आई थी, पर अब बसपा के बड़े नेता हमारे साथ आ गए हैं, और अब वो फिर जब जीरो हट जाता है तो सीट क्या बकती है, यानी एक, और स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया है, पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे आप? देखिए गौरव जी, विषय ये है कि निकाय चुनाव के समय ही अखिलेश जी को काशीराम जी की याद आ रही है, जैसे आप लोगों को पसमांदा समाज की आ रही है। नहीं, हम इसके पहले भी पसमांदा समाज के कार्यक्रमों में जा रहे थे, भाई तो मुस्कुरा दिए भाई बात, इसके पहले भी पसमांदा समाज के कार्यक्रमों में हमारे लोग जा रहे थे, उनके बीच बैठ रहे थे, उनकी समस्याएं समझने का कार्य हो रहा था, अच्छा, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, अच्छा, इसका प्रयास चल रहा था, अच्छा, और पसमांदा समाज की लड़ाई कोई आज की नहीं, 100 साल पुरानी लड़ाई है। अच्छा। नहीं तो बीजेपी लड़ रही है फिलहाल, मैं देख रहा हूं बीजेपी न तब लड़ रही थी न अब लड़ रही है, सभी भी लड़ रही है। बीजेपी उस लड़ाई को समझ करके कैसे वो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, कैसे उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, अच्छा, इसका प्रयास कर रही है, है। लड़ाई तो अपनी पसमांदा समाज के लोग ही लड़ रहे हैं, अच्छा, और हमने जिसको मौका दिया पसमांदा समाज से ही है, अच्छा, आगे आए सदन में बैठे, सदन में अपने समाज की समस्याओं पर चर्चा करें, वहां से कुछ रास्ते निकले। मौका दिया पर दुर्भाग्य है बस जी, मौका एक ही क्यों दिया है बस, नहीं जैसे जितनी अनुपात में संख्या रहेगी, 17 में भी एक को दिया, जितनी अनुपात में संख्या रहेगी उसी अनुपात में स्थान दिए जाते हैं, वो विषय नहीं है गौरव जी। विषय आज विषय आज ये है कि जो अखिलेश जी को काशीराम जी की याद आ रही है, वो निकाय चुनाव एकदम आसन्न है तब आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके पहले कभी आई क्या? 5 साल बतौर मुख्यमंत्री रहे, क्या उस कालखंड में कभी किसी काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने का फुर्सत उन्हें मिली क्या? उनके समय में तो मायावती जी की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, अच्छा, यही लखनऊ में तोड़ी गई, बिल्कुल तोड़ी गई थी, वो जानकारी है मुझे, लगाई भी जा रही थी, और तोड़े जाने वाले विवेक जी लगाई भी जा रही थी, लगाई भी जा रही थी, लीजिए ठीक है, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन तोड़ी भी गई, चले ठीक है, और गेस्ट हाउस कांड की याद आज स्वयं मायावती जी दिला रही है जी, समाजवादियों ने जो गेस्ट हाउस कांड किया, वो कांड देखिए आप भले लिखे निपेन जी बहन जी, उस कांड के बाद कोर्ट में अलगनामा भी दे चुकी है कि वो घटना झूठी थी, और उसके बाद में
नेताजी बरी भी हो चुके उस घटना से और उसके बाद नैनी ने गठबंधन भी कर लिया, क्यों उस बात को आप याद दिलाते हो? भारतीय जनता सुप्रीमो याद दिलाइए भैया, ये थोड़ा याद दिलाए। नितिन जी मेरी बात सुन, आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, आपने बोला मैंने नहीं टोका, कुछ घाव इतने गहरे होते समाज के दामन पे। अच्छा, आप अदालतों में तो हलफनामे दे करके अदालत के दरवाजे से तो छूट सकते हैं, लेकिन समाज का एक जो परसेप्शन बन जाता है उसे नहीं मिटा सकते। और जिस तरह की घटना हुई गेस्ट हाउस कांड, यही आपकी मीराबाई गेस्ट हाउस में, जो हमारे आपकी मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, और चलिए रुक जाइए, ठीक है सुन लीजिए, हम तो साड़ी पहुंचा रहे थे, लोग आप लोग सिलेंडर लगा रहे थे जी, और जो घटना घटी जी वो किस राम मनोहर लोहिया जी की किताब से पढ़ के घटाई गई थी, अच्छा किस समाजवादी चिंतक की विचारधारा से निकल के आई थी, अच्छा वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह जी के और समाजवादी गुंडों की करतूत थी। अच्छा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो भाई आप किसी महिला का वस्त्रहरण करेंगे और सिलेंडर लगा के उसको लाने की कोशिश करेंगे, अच्छा, तो ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता का तो कार्य है नहीं। भाजपा में कोई मसाज और कराता है वो संत होता है, आज तो संत करे तो लीला, आज आज अरे भाई सुन लीजिए, भाजपा में जो मसाज नाराज होते हम आपने आप अपना आदर्श आप अपना आदर्श बता रहे थे, पर कंट्रोल कराएंगे ना पहला चरण हो या आखिरी चरण? नितेन जी पर कंट्रोल कराना पड़ेगा। अरे भाई वो संत लोग थे जो सिलेंडर लगा के मायावती जी को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो उनका वस्त्र हरण कर रहे थे वो समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के सच्चे अनुयायी थे। अब प्रसन्न हो गए आप? नहीं नहीं रुक जाइए। अरे नितेन जी, मीराबाई गेस्ट हाउस कांड करने वाले समाजवादी विचारधारा के ध्वजावाहक सच्चे संत राम मनोहर लोहिया के सच्चे अनुयायी जयप्रकाश नारायण के चेले मुलायम सिंह के सिखाए हुए राजनीतिक कार्यकर्ता अब तो प्रसन्न हो गए, बताएंगे अब तो मैंने कोई ऐसा भाषा नहीं प्रयोग की। और ये अब ऐसे अच्छी भाषा क्या प्रयोग करूँ बताइए? समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के चेले मुलायम सिंह जी के सिखाए हुए लोग कह दू जिससे आप प्रसन्न हो जाए बताइए? हेडगवार के वंशज तो वहाँ महिला को वस्त्र पहुँचा रहे थे। अगर हेडगवार के वंशजों ने उस दिन वस्त्र पहुँचा करके मायावती जी की प्राण रक्षा करती होती, मायावती जी का चैप्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना होता। अच्छा, ये हेडगवार के वंशजों ने किया, हेडगवार के चेलों ने, हेडगवार जी के कार्यकर्ताओं ने वो किया जो एक समाज के व्यक्ति को सुनना चाहिए। सुन लीजिए प्लीज हम तो आप किसान में कोई गुस्ताखी कर नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई जयप्रकाश जी के राम मनोहर लोहिया के सच्चे अनुयायी जो वहाँ महिला का वस्त्र हरण कर रहे थे, सिलेंडर लगा के उड़ा रहे थे, ये सब आप लोगों की समाजवादी किताबों में लिखा होगा भाई, हो सकता है समाजवाद कोई ऐसा ही तरीका हो राजनीति करने का। मुद्दे भाई जानता भाई, मतलब मुद्दे भाई मुद्दे दर्द दर्द मुद्दे भाई मुद्दा ये है नितिन भाई, नितिन भाई सुन लीजिए, नितिन भाई मुद्दा वही आएगा, मुद्दा ये नितिन जी है कि 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, ठीक उस कालखंड में कहीं भी मायावती जी की या काशीराम जी की प्रतिभा का अनावरण का कोई कार्यक्रम उन्हें याद आया क्या? अच्छा चलिए नहीं आया जी, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए समझ में आई। और नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के समय क्यों दलितों के पैर धोना याद आ जाता है? अरे भाई सुन तो लीजिए, वो पहले भी करते, वो तो अभी जाके संसद श्रमिकों से मिलके आए हैं, निर्माणाधीन वो पहले भी करते, वो करते रहते हैं। चलिए अभी रुक जाइए जी, बोल लीजिए इसके दौरान जो जो इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं इस दौरान कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार में या अखिलेश यादव जी की सरकार में जी जिस तरह से दलितों के प्रमोशन को रिजर्वेशन के माध्यम से समाप्त करने का कार्य किया गया जी उस पर क्या समाजवादियों की टिप्पणी है जी? हम नहीं कुछ कहते, वो तो दलित समुदाय के लोग ही कहते हैं और तमाम से इससे उनकी समस्याएं हैं। अच्छा, हमारा उस पर कुछ नहीं कहा ना, हम तो ठीक है, आप काशीराम जी हमारे सबके बीच के थे, अच्छा काम उन्होंने किया समाज को संगठित करने का काम, अनावरण हुआ है तो आप लोग समर्थन कर दीजिए, क्या बुराई क्या? हमने कहां विरोध किया? हम तो कह रहे हैं ठीक है, अगर
अखिलेश जी उनकी मूर्ति का नाम अलग कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो दर्द क्यों है फिर? हम कहाँ दर्द बता रहे हैं, टिप्पणी तो मायावती जी की आ रही है। हाँ। हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मायावती आपसे पूछ के गठबंधन करके टिप्पणी कर रही है ऐसा। देखिए अब ये तो उनका विचार है, मायावती जी ने क्या विचार दिया वो मायावती जी का विचार है, हमारा तो कहना चलिए देर आए दुरुस्त आए, किसी महापुरुष के शरण में है। अच्छा। काशी राम जी भी एक महापुरुष थे, समाज को संगठित करने का काम किया, दलितों शोषितों के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया जी, और एक दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तक ले आने का कार्य किया जी, उनका अच्छा कार्य सराहनीय कार्य है। आप उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हो सकता है उन्हीं से आपको जीवन में सीख मिले। अच्छा, हो सकता है आप कुछ सदमार्ग पे आए। अच्छा। हो सकता है कुछ गेस्ट हाउस के पाप धुले। अच्छा। हो सकता है कुछ और जो दलितों के प्रति आपके शासन काल में अत्याचार हुआ उस पापों से आपको मुक्ति मिले। चले, हमारी तो शुभकामना, ऐसे और कार्य करिए, समर्थन मिलेगा। क्या दलित समाज आपको अपना मानने लगेगा ये आगे पता चलेगा। अच्छा, आप नहीं मान, इनको नहीं मानता है हमारे उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, इनको इनको नहीं मानता है दलित समाज। अगर हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी इस पर कोई टिप्पणी, ये प्रेम चुनाव के समय क्यों जगह प्रश्न के दायरे। ठीक है, प्रवक्ता सुभाषपा जयराम भाई, भाई आप भी बता दीजिए, यहाँ पर अगर अखिलेश यादव ने वहाँ पर अनावरण किया है तो ठीक है, महापुरुष हैं, और वहाँ पर जो आदमी देश की राजनीति में व्यवस्थाओं को बदलते हैं, बेहतर करने की कवायद में लगे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, अगर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेहतर समर्थन होना चाहिए, पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। खैर वो तो भारतीय राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज़्यादा ऐसा होता रहता है। आपकी क्या राय है पूरे घटनाक्रम पर धर्म भार्गव? गाड़ी रोक लीजिए धर्म भाई, डिबेट भी महत्वपूर्ण है। पार्टी को सुन रहा था जी। अपनी अपनी ढपली अपने अपनी राग हर कोई गाते हैं। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ जनता को क्या मिलता है उसके ऊपर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, श्री अखिलेश यादव जी आज निकाय चुनाव में आने के लिए दलित प्रेम नहीं है, वोट प्रेम है। अच्छा, वोट प्रेम है, लो ये वोट प्रेम, वोट प्रेम है। दयाराम जी की आवाज नहीं आ रही, तुम्हें देख लीजिए जी। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। ये दलित प्रेम नहीं है, ये वोट प्रेम है। अच्छा, वोट प्रेम है। अच्छा। आज श्री अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है कि चार बार की सरकार में पूर्वत में रहे स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में दलितों के साथ में किस तरह की अवहेलना और किस तरह की प्रताड़ना हुई वो जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद 2012 से 2017 के बीच में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, तो 3 साल परिवार के झगड़ा झंझट में निकाला है जी। 3 साल परिवार के झगड़ा झंझट में निकालने के बाद जब 2 साल बचा गौरव भाई जी, तो समाजवादी पार्टी में ये था कि मैं मुख्यमंत्री। अच्छा, 4.5 मुख्यमंत्रियों की मैं के चक्कर में 2 साल बीत जाता, चुनाव आ जाता है। अच्छा, चुनाव में आने के बाद चाचा को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की कृतियों के साथ में श्री अखिलेश यादव ने अपने सगे चाचा जो चाचा उस भतीजे को गोदी में लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया सारा कुछ किया। हाँ। उस चाचा को श्री अखिलेश यादव ने क्या से क्या नहीं तो आप किया? अरे उनका अंदरूनी मामला है, आपको क्या दिक्कत है? संग में रहे अलग रहे, आपको क्या दिक्कत है? सुन तो लीजिए गौरव भाई, सुनिए तो सही, सुनाइए। अंदरूनी कहाँ है? हाँ। अंदरूनी तब होता जब आप घर में होते, जब आप घर में से बाहर हो गए तो अंदरूनी कहाँ रह गया, तो पब्लिक ही हो गया। अच्छा, पब्लिकली हो गया। अच्छा, पब्लिक में है तो चर्चा तो होगा। अच्छा, अब उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर लग रहा है कि जो अति पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में बोरा भर भर के श्री अखिलेश यादव स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव को वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया था, वो अति पिछड़ा वर्ग जो उत्तर प्रदेश में 38% है वो हक अधिकार मांग रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी है। अच्छा, यही अति पिछड़ा जो 38% उत्तर प्रदेश में है, विगत में बसपा को, सपा को, कांग्रेस को शासन में उत्तर प्रदेश के कुर्सी में बैठाया जी। यही 38% अति पिछड़ा जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। अच्छा, अपना वोट दिया, लाभान्वित होकर के इनको वोट दिया, लेकिन क्या अति पिछड़े समाज के लोगों को मिला कुछ? अच्छा, उस पर चर्चा हमारे कोई पैनलिस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, सामाजिक कौन देगा समिति की रिपोर्ट? इस वर्ग को कौन देगा? कौन से इस वर्ग का? धर्म भाई मैं बता रहा हूँ, सुनो, सुनाइए सुनाइए। वही बता रहा हूँ
मैं वही बता रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में आदरणीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बना था रहा। अच्छा। उसके बाद उनकी सरकार चली गई, तब से लेकर के सपा चार बार बसपा चार बार रही। अच्छा। लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ना तो बसपा ने लागू किया ना सपा ने लागू किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वो तो गेंद फेंके जा रही है, कभी चौका मारती कभी छक्का मारती है। अच्छा। लेकिन उसको चिमटे से कोई छोड़ना पसंद नहीं करता। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों का दलितों का सबको चाहिए। अच्छा। लेकिन उनका उत्थान कैसे हो, उनकी राजनीतिक भागीदारी कैसे हो, उनकी शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल है वो ठीक कैसे हो, उनको स्वास्थ्य कैसे अच्छी मिले, इसकी चर्चा इस पैनलिस्ट में बैठे कोई नहीं करता। अच्छा। भारतीय समाज पार्टी जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करती है तो हमारे जो साथी है इनके पेट में दर्द होता है। अच्छा, कौन से साथी के? अरे साथी का नाम भी बता दीजिए। सपा की भाजपा सुन तो लो गौरव भाई, सुनो तो सही। अरे इतना लंबा बोले कहाँ सुनूंगा मेरे भाई, बताइए। मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला किसके पेट में दर्द होता है, तो सपा का दर्द होता है कि भाजपा का दर्द होता है? सपा को सबसे ज्यादा हो रहा है, भाजपा को कम हो रहा है। ठीक है, मुलाकातें चल रही ना, मुझे पता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनील त्रिपाठी, जनक प्रसाद, आम आदमी पार्टी, जनक भाई आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी भी लगातार हर वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। 17 में चुनाव लड़े, खैर वहां पर कुछ आपको सफलता भी हासिल हुई, पर विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से आपकी राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने और आपकी रणनीति आपके एजेंडा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, एक भी सीट नहीं मिली, दावे तो बहुत बड़े किए जा रहे थे, और उसके बाद से लगातार आप लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। चुनाव महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से इस वर्ग के लेकर लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं, हितैषी बता रहे हैं, इस वर्ग का खास बता रहे हैं, आपकी क्या राय है? जी आपके दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। और हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कि जात पात पूछे ना को। अच्छा। हर को भजे सो हर को हो। अच्छा। तो हम लोग ये दलित सब सबसे अच्छी बात तो मैं ये सब्जेक्ट में जो बात जो करी है आपने, सब्जेक्ट रखा है ये जी, तो सबसे मैं तो शुक्रगुजार करूंगा भाजपा वालों का। अच्छा। जब अखिलेश जी का जब बंगला धुलाया ना, तब उनको लगा कि शायद ये मामला कुछ दूसरा है। अच्छा। वो भी अपने आप को सवर्ण समझ रहे थे। अच्छा। तो जब बंगला धुला तब वो और अच्छा काम कर रहे हैं, किसी महापुरुष का जो देश की उन्नति में दलितों का पिछड़ों का उन्होंने जागरूकता फैलाई माननीय काशी राम जी ने, अगर उनकी मूर्ति लगा तो स्वागत करना चाहिए, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जहां तक मैं कहता हूँ कि जाके पैर न फटे बेवाई, अच्छा, उका जाने पीर पर आई। तो जो दलित होने का जो डंस है, जो दलित होगा वो उसका डंस जानता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, उनको उत्थान का अगर कोई काम कर रहा है इस देश में, खाली दलित के नाम पे आप मुस्लिम के नाम पे जात अगड़ा पिछड़ा के नाम पे वोट तो मांग लेते हो, लेकिन शिक्षा देने का काम, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान में, वो तो आम आदमी पार्टी कर रही है। अच्छा। फर्जी डिग्री वाला नहीं। अच्छा। फर्जी डिग्री वाला नहीं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाला काम कर रही है। जो आप बच्चों को देखिए, पांचवी के बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नौजवानों को शराब पिलाने का भी काम कर रही है, वो आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, फर्जी आप बात करके नौजवानों को शराब पिलाने का काम कर रही है। फर्जी पर बात ये कूद पड़े, नहीं, हम कूद नहीं रहे, हम बता रहे हैं, अधिकार है भैया, बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शराब पिलाने का काम, ओरिजिनल एजुकेशन इंग्लिश में बच्चे पांचवी के बात करते हैं वहाँ पे, आप देख लीजिए 61,000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने आज हिंदुस्तान में बंद किए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? और प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा। आप दलित पिछड़े ओबीसी के गरीब जो हैं, ब्राह्मण के बच्चे ही पढ़ते हैं। जी, तो जी, ये क्या करना चाहते हैं देश पे, क्या करना चाहते हैं? दूसरी बात, मैं सब समाजवादी पार्टी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने बोल ही दिया कि समाजवादी पार्टी ने अब थोड़ा स्टैंड क्लियर कर लें कि जब उनकी क्या सरकार आएगी या सरकार में भागीदारी बनेगी, तो क्या जो उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन जो उन्होंने किया था जी, खत्म किया था जी, क्या वो अच्छा लागू करेंगे? अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, दूसरी बात जी, जो 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 जमीन के जो अभी दलितों के जो पट्टा खाता अगर जमीन लिखवानी हो जी, तो अखिलेश जी ने भी खत्म किया था।
और माननीय हमारे भाजपा के पार्टी ने भी अभी दो चार दिन में ही वो एक वो किया है कि वो कोई भी लिखवा ले जी। तो उनके पास बिचारों का है ही नहीं जी, क्या लिखवा लोगे आप उनको, वो तो वैसे ही पैदल है बिचारे। एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक रास्ता निकाला है कि शिक्षा एजुकेशन दे दो, अपने आप खड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। जनक भाई आपको राजेंद्र पाल गौतम याद है? देखिए नहीं बता रही याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। आपको पता है उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित कराया था जी, ठीक है, दिल्ली में जी। उस कार्यक्रम के बाद जब बवाल शुरू हुआ था, आम आदमी पार्टी पर हिंदू विरोधी का नाम लगा था, तब वही अरविंद केजरीवाल जो आपके राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उन्हीं के माध्यम से वो भी बैकफुट पर नजर आए थे। वहां पर दलित प्रेम से अलग राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा था। वहां दलित प्रेम कहां गया था वो भी डिफाइन कर दीजिए। इस्तीफा देना नहीं पड़ा, उनकी पर्सनल मजबूरी थी। दूसरी बात बता दीजिए, दलित प्रेम बता दीजिए। जो अभी आप यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे थे आम आदमी पार्टी के, वो बता दीजिए थोड़ा सा दलित प्रेम कैसा। दलित प्रेम दलित प्रेम देखिए, धर्म जो है हमारी जो पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का हाँ। जो सबसे बड़ा धर्म है हाँ। वो राष्ट्र धर्म है। अच्छा वो राष्ट्र धर्म है। अच्छा धर्म जो होता है मेरी आस्था का, मेरे तो बोल देते राष्ट्र धर्म है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों इस्तीफा लिया आम आदमी पार्टी ने? कहां आप दिखाई के आप बोला उनकी मजबूरी थी? कैसी मजबूरी थी बता दीजिए क्या? अरे हमारे डिबेट के लोग भी सुन लेंगे, मजबूरी थी कैसी मजबूरी बता दीजिए। मजबूरी मैं मेरा मजबूरी का मतलब यह है कि उनका आस्था पे अगर कोई प्रश्न उठाएगा, मान ले मेरे कोई आस्था प्रश्न उठाएगा तो मैं पहले आस्था को देखूं या उसको देखूं, वह उस पर डिसाइड करूंगा मैं। आपको कार्यक्रम की जानकारी है पूरी? हाँ जानकारी है, बहुत सारे वहाँ पर अनुयायी थे, वहाँ पर प्रतिज्ञा दिलाई, 22 प्रतिज्ञा दिलाई जा रही थी। ये बाबा साहब के समय पे चलती जा रही है? बिल्कुल चलती। तो मैं यहाँ पर मैं प्रतिज्ञा पर नहीं उठा रहा हूँ, जो आप दलित प्रेम की बात कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ। आरएसएस के नागपुर में प्रतिज्ञा हर साल ली जाती है। अच्छा चले ठीक है, मुझे आपकी बात आ गई। ठीक है सुनील त्रिपाठी, हमारी पार्टी का धर्म जो है मुझे पता है, मुझे सबकी पार्टी का पता है कौन क्या करता है, किसका कितना प्रेम है। ठीक है सुनील त्रिपाठी अपनी बात देंगे जी। मेरा मानना है जी, जब चुनाव आता है जी तो राजनीति दलों को जनता की याद आती है जी, उसके बाद वोट के लिए जी जो उनके फैक्टर्स हैं जी, दलित पिछड़ा बैकवर्ड जी, उनकी याद आती है जी। मैं किसी पर्सनल पार्टी लेने कर रहा हूँ, राजनीति दलों सबका यही हाल है जी, कि जब चुनाव आएगा तो जनता की याद आएगी। अच्छा, जनता किस हाल में है, कहाँ है, कैसी है। अच्छा गौरव जी ये बताइए हमें कि 3-4-5 बार मुख्यमंत्री हमारी बहन मायावती जी रही जी, दलितों के लिए कितना काम किया उन्होंने जी। अखिलेश जी एक बार मुख्यमंत्री रहे, फिर मुलायम सिंह जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार रहे जी। कितना पिछड़ों के लिए इन लोगों ने काम किया जी। मेरा मानना है कि जो गरीब था वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, मुझे आज भी उसी पैदान पे खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर उनकी वास्तव में गरीबी देखना है तो 50 किलोमीटर लखनऊ से आप चले जाइए दूसरी तरफ, देखिए देखिए कितनी गरीबी आज भी हमारा बैकवर्ड झेल रहा है। और उसी पे क्रीमी लेयर, अभी मैं कहूंगा तो उस्ताद मेरे भाई बड़े भाई धीरेन्द्र जी को बुरा लगे हाँ। क्रीमी लेयर ही उनको रौंद रही है, हम नहीं रौंद रहे हैं, आरक्षण के नाम पर क्रीमी लेयर ही उनका शोषण कर रही है, मेरा अपना मानना है। हो सकता अच्छा। किसी कष्ट पक्ष में क्षमा चाहूंगा राष्ट्रीय चैनल से, लेकिन शोषण सबसे ज्यादा उनका क्रीमी लेयर ही कर रही है। हम आईएएस पीसीएस आईपीएस मिनिस्टर्स हो गए हैं तो हम क्यों आरक्षण लें? हम अपने उन भाइयों को दें जिनके पेट में रोटी है न तन पे लंगोटी है। आज भी हमारे दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों में दिखा सकता हूँ गौरव जी, मैं कभी गाँव जाता हूँ तो मेरी आत्मा को बेहद कष्ट होता है इस बात से कि 70 साल गुजर गए उन्हीं के ऊपर राजनीति करते करते और आज भी वो रोटी और लंगोटी के लिए तरस रहे हैं। गौरव जी अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश जी ने काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है जी। अच्छी बात है, लेकिन दलित समाज स्टेज गेस्ट हाउस कांड को भी नहीं भूल सकता है, फूलन देवी को भी नहीं भूल सकता है जी। आप दलित उतने भले ही गरीब है, गलीज नहीं है जी। समझदार है, बुद्धिजीवी है, आर्थिक स्थिति हो सकता है उसकी कमजोर हो अलग बात है, बुद्धि विवेक से अब दलित शोषित पिछड़ा वर्ग कमजोर नहीं है। वो सब समझ रहा कि चुनाव में कौन लोग हमारे साथ हैं, क्या क्या लोगों ने हमारे साथ किया है जी। और अब चुनाव निकाय का आ रहा है, 24 में चुनाव आ रहा है, अगर सही ढंग से गौरव जी राजनीतिक दलों ने मन न जीता तो आगामी चुनाव में कई पार्टियों को नुकसान हो सकता है। और मैं फिर कहूंगा दिन जी बुरा लगे भले लगे हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने जात की बात नहीं की, उन्होंने सबका विकास सबका साथ कहा है। अच्छा। और सबका विकास में हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। आज मैं अल्पसंख्यक को बात करूं गौरव जी, अल्पसंख्यक क्या कम परेशान है? अच्छा सच्चाई है कि अल्पसंख्यकों को घर में भी रोटियां नहीं है तो कहो कि 4-5 साल से मोदी जी अनाज दे रहे हैं तो लोग खा रहे हैं। अच्छा। नहीं तो पहले भूखे मरते थे। अरे
जो राशन योजना शुरू हुई हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं राशन योजना शुरू हुई है इंडेक्स में पहुंच गया है राशन जो राशन योजना शुरू हुई है वो कोरोना के बाद शुरू हुई है जी। उसके पहले भी अल्पसंख्यक वर्ग था नहीं, नहीं। उनको राशन मिलता था मुफ्त राशन भले ही नहीं मिलता था योजना नहीं चलती थी। देखिए गौरव जी आपका चने और चने चने नमक और चने नमक तेल नहीं मिलता ना मानता हूं पर भूखा नहीं मरता मुझे पता है। बोलिए गौरव जी सीबीआई जांच चल रही भूख समाते होती थी। एक सेकंड अच्छा आप देखिए खाद्यान्न तब भी था खाद्यान्न आज भी था हाँ। लेकिन परिस्थितियां और दूसरी थी अच्छा तीन चार आईएएस आज भी सीबीआई जांच में फंसे हुए खाद्यान्न घोटाले में अच्छा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं एंकर हाँ। हैं गौरव जी आप भी जाने होंगे अच्छा। कि वो अनाज कहाँ जाता था अच्छा। किसके घर में जाता था अच्छा। आज कम से कम ये जरूर है लोगों को भय इस बात का कि अगर हम घोटाला करेंगे तो जेल जाएंगे हम तो कम से कम जो हक जिसका है उसको मिल रहा है। गाँव की स्थिति ये थी गौरव जी कि किसान हमारा जी ये हम जान लिए दिसंबर से मार्च तक अच्छा कैसे जी जो वास्तव में लघु किसान है बड़े बड़े मैं बातें कर रहा हूँ जो लघु किसान है बेचारे कभी कभी एक टाइम खाना खाते थे। मैं इसका गवाह हूँ प्रत्यक्ष गवाह हूँ अच्छा। और न मानिए आप तो ग्रामीण अंचलों में चले जाइए कि आज लोगों को भोजन नसीब नहीं होता था अच्छा। आज की स्थिति में उस स्थिति में काफी अंतर हो चुका है अच्छा। मैं भाजपा लेकर भाजपा ने ऐसा कर दिया अच्छा। परिस्थितियां अब वो नहीं है अब आदमी कब बेहतर हो गया सुकून दो रोटी खा रहा नहीं खा रहा तो आप एंकर है सीनियर जर्नलिस्ट है लोगों जरा बात करके देख लीजिए अच्छा। कि अब पहले से कितना परिवर्तन हो गया है अच्छा। जी गौरव जी सपा से रोटी नहीं मिलती थी क्या खाद्यान्न घोटाला कब हुआ अच्छा बताओ खाद्यान्न घोटाला जिसे सीबीआई जांच चल रही है आपकी सरकार की रोटी नहीं मिलती थी क्या मैं ये नहीं कह रहा रोटी नहीं मिलती थी आप लोग कहाँ रख लेते थे भैया हमको सुनील भाई बोला नाराज है बड़े नाराज नहीं है जी बोलिए नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब आए जी तब से उन्होंने रोटियां बना बना घर घर पहुंचाना शुरू किया उसमें घी चुपड़ करके रोटी दे रहे हैं। हमारे जमाने में तो बिल्कुल हर आदमी आत्महत्या करने को तैयार था। राजनीतिक है कम से कम हमारे पत्रकार साथी को भी ऐसी बात करनी चाहिए जब तक कम लगे कि सरकार को किसी सरकार को था कि अभी चार दिन पहले हमें तो किसान के खेत में बैठ के आत्महत्या किया महाराज जी 2014 से पहले जी आप पत्रकार हो इंडेक्स अपने कालम में कहीं किसी अखबार में आज चार दिन पहले ओला बस्ती के बाद किसान ने जाकर खेत में आत्महत्या की है। योगी जी नहीं छाप अखबार में आप छापोगे बताओ जरा एक बार बोलो टीवी में बोलिए मैं आपको खुली खुली आपसे अनुरोध कर रहा हूँ रिप्लाई कर रहा हूँ कि कभी कभी सुन नहीं पाए आपकी बात दोबारा बोल दीजिए क्या चुनौती दे रहे बोल दीजिए बोलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनील भाई से आदरणीय योगी जी के आने के बाद तो राम राज आ गया है। चार दिन पहले की घटना है किसान हमीरपुर में हाँ। किसान ने खेत में हाँ। फसल में गया उसकी फसल बर्बाद हो गई हाँ। वही बैठकर बेटियों की शादी करनी थी आत्महत्या हाँ। कर ली है हाँ। अभी रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसी दिन आप अपने एक ऑडिटोरियल छाप दीजिए हाँ। तो देश की जरा समीक्षा अरे हाँ। आप नहीं लिखोगे लेकिन हाँ। सोशल मीडिया में तो दिखता है कम से कम सोशल मीडिया से लिख कर देख करके एक कॉलम बना दिया करिए ऐसी बातें करिए। और रही बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे चुनाव की वजह से मूर्ति लगी है भैया वहाँ पर जहाँ पर वो प्रतिमा लगी है काशीराम जी की वो काशीराम महाविद्यालय है और विद्यालय आज नहीं बना है विद्यालय तो पहले से बना है चुनाव के दिन नया कॉलेज नहीं खुल गया है। ऐसी बातें करिए जो जनता को हजम हो जाए भारतीय जनता पार्टी है कम से कम सपा को हजम नहीं हो रही विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे सपा को हजम नहीं हो रही भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग भाई देखिए हजम नहीं हो रही तो उसके लिए तो हम कहेंगे भाई आज बोला खा लू अच्छा आज बोला खा लू। विषय ये है कि काशीराम जी ने जो कार्य किया जीते जी आपने उनका सम्मान किया नहीं अच्छा काशीराम जी ने जीवित थे जब आपने मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस अरे भाई सुनिए विवेक जी को मैं जरा टोक रहा हूँ मेरा प्रश्न मेरी तरफ से कर लीजिए हाँ। मैंने कुछ नहीं किया है हाँ। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी जरा कुछ कुछ अपनी उपलब्धि बता दे हाँ। कि वो दलितों पिछड़ों के लिए उसने क्या क्या किया है विवेक जी आप अपनी उपलब्धि बताइए हमने कुछ नहीं किया हमने स्वीकार किया राशन है तो हम हमारे समय में जब हम सरकार में होते तो सपा और बसपा दो पार्टियां हमने सामने होती थी तब भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं होता था। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सपा
और बसपा, ये दो पार्टियां आमने सामने लड़ती थी, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं में कई मनमुटाव रहे होंगे। हमने जब जगो तब सवेरा, हमने अब उसको सुधार लिया है। लेकिन आप बता दो कि आपने कौन सी दलित प्रेम की कौन सी इबारत लिख दी है, आपने कितना दलितों का आरक्षण दे दिया, पिछड़ों का आरक्षण दे दिया, उनकी स्कॉलरशिप का पैसा बताएंगे, समय हो गया, बताइए देखिए नृपेन जी। एक समय था कि जब आप काशीराम जी का साथ लेकर के सत्ता में आए थे, और जब काशीराम जी ने विधानमंडल दल का नेता मायावती जी को बनवाया, अच्छा, तो आपने गेस्ट हाउस कांड कर दिया, ठीक, और किस तरह से किया। अच्छा, एक मिनट विवेक जी को यहीं रोकूंगा, इसका जवाब अभी ले लीजिए, नहीं बात खत्म हो जाएगी। बोल दीजिए, जो गेस्ट हाउस कांड की आप बार बार रट लगाओ विवेक जी, उसी गेस्ट हाउस कांड में जितने लोगों को बहन जी ने आरोपी बनाया था, एक तो सारे लोगों को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नाम बताऊंगा, उन सारे लोगों को बहन जी ने अपनी पार्टी से किसी को विधायक, किसी को सांसद बनाया, और अंतिम नाम जिसको माननीय नेता जी कहते हैं, उनका लिए भी कोर्ट में हलफनामा देकर उस केस को खत्म कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने गठबंधन किया। इसलिए अब बार बार इसका जिक्र मत करिए, जनता जान चुकी है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, चाहे रमाकांत यादव रहे हो, चाहे उमाकांत जी रहे हो, जो समय के नामदारी लोग थे उस केस में, उनको बहन जी ने खुद अपनी पार्टी से सांसद विधायक बनाया है। निपेन जी, मैं आपको एक उदाहरण से आपकी बात की मैं पुष्टि कर दे रहा हूँ। एक मऊ में हत्या हुई कृष्णानंद राय जी की, अच्छा, 37 गोलियां लगी, उस मुकदमे में मुख्तार अंसारी छूट गए जी, अदालत ने छोड़ा, अच्छा, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि मुलजिम की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर के नुक्ते। समाज का परसेप्शन आप नहीं बदल सकते जी। ये पूरा प्रदेश जानता है कि कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार ने कराई जी। वो अदालत नहीं, उनको अदालत और बड़ी अदालत छोड़ दे, लेकिन जो समाज का मानस है उस अपराधी के प्रति, वो आप बदल नहीं सकते। गेस्ट हाउस कांड में नारायण सिंह जी को आप क्लीन नहीं, क्लीन नहीं, दो चार और क्लीन चिट दे दीजिए, समाजवादियों को आप धुल के गंगा नदी से नहलवा दीजिए, लेकिन दलित समाज का परसेप्शन साफ है। मायावती के साथ हाउस कांड समाजवादियों ने किया, आप परसेप्शन बदल नहीं सकते, पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते। बेहतर हो इस पाप की चर्चा न करें। मायावती जी ने आज उसी बात को कहा है, हम कौन होते करने वाले, दलित समाज के जो मानस पटल पे आपका वो अपराध अंकित है, उसको आप धुल नहीं सकते, धुल नहीं सकते। हमने इसको आप जवाहर के चेले, हमने ही अगर हम अगर वहां बीच में इंटी न करते कपड़ा लेकर के, तो आप जो करने वाले थे आज मायावती नाम का चैप्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना होता। अच्छा, और हमने बचाया, हमने उस दलित की बेटी की रक्षा की, दलितों के बेटी की रक्षा किया, और सरकार बनवाई, और आज जो आप दलित की बेटी को देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिसका नेतृत्व किए, उनकी बदौलत है ये। साजिश थे, अच्छा, क्या थे साजिश थी, क्या कर रहे थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी? अरे उनका बगल में आवास था, क्या कर रहे थे आपको मालूम है? कहा रहते थे वो मीरा भाई के बगल में, आपको क्या मालूम जी? ये सारी चीजें आप जान लीजिए, उस पाप को आप बोल रहे बेहतर उस पाप की चर्चा आप ना करें, तो तुमको मुख्यमंत्री हम भाजपा वाले मिलकर बना देंगे। अच्छा, सुन लीजिए, ये दलित पिछड़ा गठबंधन तोड़वाने का काम भाजपा ने किया, उन्हें पता था कि अगर ये गठबंधन सक्सेस हो गया तो देश में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ऐसा पता नहीं होगा। इसलिए मायावती जी की महत्वाकांक्षा जगवाई, और ये फर्जी केस उन्होंने, हम महत्वाकांक्षा जगाने वाले कौन है? वो उस योग्य थी, उनके भाग्य में था, वहां तक पहुंची, हम कौन है तो जगाने वाले? हमारी हैसियत हो तो खुद ना बन जाए मुख्यमंत्री, लीजिए उनके भाग में था उनका, उनको ठीक है, हो गया जब नहीं बन पाते तभी गठबंधन। ठीक है आपसे आप देखिए, कुछ पाप जिंदगी कैसे होते हैं, जीवन भर पीछा नहीं छूटता। नाम प्रपोज कर रहा हूँ, नीचे राजीव गांधी का बोफोर्स तो चौधरी ने जीवन भर पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा बड़ा बयान दे रहा है भैया, कुछ पाप होते तेन जी, कुछ पाप ऐसे होते। अरे क्या तुम जीवन भर, अरे बड़ी बात कही उन्होंने, राजीव गांधी का पीछा आज तक नहीं छूटा भाई, राजीव गांधी का बड़ी बात लेते हैं वो फोर्स तो हो जाता है। क्या बयान दिया अभी आपने, बोल लीजिए दोबारा, बोलिए नितिन भाई कुछ बार बोले। हमने ये कहा इनको बड़ा दलित प्रेम आग्रत हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मायावती जी को प्रधानमंत्री का
प्रपोज करे और हम लोग समर्थन करेंगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए देखिए नितिन जी, ये विषय राजनीति का है। लीजिए, आप क्या करेंगे और क्या आपने किया है सब प्रदेश की जनता जानती है। अच्छा, ये राजनीतिक छलावे में प्रश्न नहीं किए जाते। ठीक, आप कितने इस प्रति इस अपने इस वचन के प्रति कितने ईमानदार हैं, झूठ पूरा प्रदेश दे चुका। चलिए हम हम आपकी ईमानदारी के कष्ट भी लिए लेते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, 75 जिले में कई दलित अध्यक्ष आपने बना रखा, जिला अध्यक्ष बता दीजिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कई दलित जिला अध्यक्ष आपके पास है, आप नाम बता दीजिए। मैं अभी लिस्ट पढ़ के बताता हूँ। लिस्ट पढ़ के बताता हूँ। अभी 40 हमने डिक्लेयर किए हैं। सुनो विवेक जी, 75 कई जिला अध्यक्ष दलित है, आप यहाँ बता दीजिए। अब सुन लो, आपने छेड़ा, बता रहे बता रहे बता रहे। अब इन्होंने जो छेड़ा है, पहले जरा मैं इन्हीं का नोट करके रखा था, इनका जरा केस। इनके जितने आपको पता रहा, पूछेंगे आपसे। दो दिन पहले इन्होंने कार्यकारिणी अपनी घोषित की है। हमारी छोड़िए, अपनी लेके बैठे, अपनी बताइए महाराज। सुनिए विवेक जी, नहीं, अभी 4 दिन पहले इन्होंने कमेटी घोषित की है। उन्होंने जो 15% आबादी के लोग हैं उनको 65% के पद दिए, और जो 85% लोग हैं 40% पद दिए। जिन जो 15% आबादी वाले लोग हैं उनको आपने 65% पद दिए, मुझे सब पता है। ठीक है धर्म भाई, अपनी बात करिए, सबको सुना आपने, बताइए धर्म भाई, बोलिए। आपके कितने जिलाध्यक्ष जो है प्रश्न करे दलित वर्ग से है? आप दूसरी चर्चा होने लगी, आप यहाँ कितने जिलाध्यक्ष दलित वर्ग से हैं? मुरादाबाद जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह दलित से हैं। लीजिए सुन लीजिए, ये मथुरा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह जिला अध्यक्ष दलित से हैं। जी जी, एटा जिला अध्यक्ष मुनेश चौधरी जी हमारे दलित से हैं। लीजिए, लेकिन सुन रहे हैं आप, मंडल अध्यक्ष मेरठ हमारे जो है दीपक, उनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, हमने आपसे पहले भी कहा था कि उनकी आवाज। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुहिम जो है, मैंने कहा ना, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, ये तो केवल गोलमोल नचाने का काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में दलितों से प्रेम है और देना चाहती है, तो जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट 4 साल से आदरणीय योगी नाथ जी के टेबल पे, इनके पास एक रट्टा मारने के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट, आज दलित सर्वाधिक दलित, नितिन भाई कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर, लाभ तो मिल जाएगा। नितिन भाई कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर, धर्म भाई, नितिन भाई आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, इसी न्याय समूह की रिपोर्ट के अलावा कुछ बोलते ही नहीं आप लोग। नितिन भाई देखिए, हमारी बात सुनिए जी, अभी आप डिबेट जो कर रहे हैं, सुनिए गौरव भाई, डिबेट आप किस पे कर रहे हैं जी? हक अधिकार कौन दे रहा है जी? हक अधिकार का मुद्दा कौन उठा रहा है? हम सरकार में थोड़ी है जी, बनवा दीजिए उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की सरकार जी। अगर अति पिछड़ी अति दलितों को ना हिस्सा अधिकार मिले तो बनाओ, छोड़ देंगे और बताइए, योग्य बनाओ, जीत के दिखाओ। ये ओम प्रकाश राजभर का सिपाही द्वारा हम भारत में बात कर रहा है, दलितों को दोनों पार्टियां जो है दुश्मन है। माहौल को खराब करते हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बड़ी बात बोल रहे हैं। देहराम भाई, देहराम भाई सुन लीजिए, बड़ी बात बोल दी भाई भाजपा के लिए उन्होंने। किसान बेहाल है, देहराम भाई सुन लीजिए, नितिन भाई बड़ी बात बोल रहे हैं भाई आप लोगों के लिए।
अरे चिल्ला रहे हो, सुन तो लीजिए क्या बोल दिया उन्होंने, जवाब तो लीजिए। नितिन भाई कुछ बोले, आप बोले नितिन भाई, बोली क्या बोल रहे थे आप? गौरव भाई विवेक भाई का जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप सुभाष को भी क्या बोले, मैंने आप बात नहीं बना दी है। 25 सवर्ण है। अरे ठीक है, मुझे पता है 12 पिछड़े नितिन भाई, पर आपने सुभाष को क्या बोले कमेटी में? हमने कहा ये दलित दलित चिल्ला रहे हैं। इनकी शुरुआत तो प्रकाश राजभर की बसपा से हुई थी, बसपा से भाग के वापस चले गए, वहां नहीं पटी तब मायावती बहुत खराब हो गई थी। इसके बाद ये चले गए अपना दल में, फिर अपना दल से भाग के मुख्तार के साथ चले गए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा के साथ आए, फिर सपा के साथ आए। ये पेंडुलम के तरीके, बिन पेंदी के लोटे के तरीके इधर उधर लुढ़कते घूम रहे हैं, फुटबॉल बने, इनका कौन वैल्यू देगा? अपने दम पर एक चुनाव जीत के हमें, फिर इसके बाद हम बताएंगे सरकार। अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमने वो बोलते हैं हमने पूर्वांचल में सपा को वोट दिलाए हैं, सपा की सीटें आई है वो जिम्मेदार रही है। अरे ये तो कह रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया जी, तो इनके कहने से हो जाएगा क्या? विवेक जी ने बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। धर्म भाई क्या जवाब देंगे? ठीक है धर्म भाई जवाब दीजिए भाई। अरे भाई गौरव जी, गांव कहावत है मिचकरिया नाल बनाने आ गई थी, हमारे नाल बना मिचकरिया भी घोड़े के साथ में देश में दौड़ने लगे, तो इससे थोड़ी ना हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जब महंगाई क्या, जब छात्रवृत्ति की लड़ाई लड़नी थी, जब सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़नी थी, जब जातिवाद जनगणना सामाजिक न्याय समिति गाना गा रहे हो, क्या मुद्दा एक माला ले रहा हूं, नमः शिवाय, 108 बार रट दिया करो रोज। जो व्यक्ति समाज बसपा में 4 बार सरकार रहा, भारतीय जनता पार्टी में रहा हो, तब उस शब्द का याद नहीं आता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव को केवल मुद्दा को गरमाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा दलितों को हक अधिकार दिलाना हमारी पार्टी बोलेगी भाई, हमारी हमारी पार्टी बोले भाई, आपके लिए बोल रहे हैं। दलित पिछड़े की बात हो रही है, धन्यवाद। हम तो भाजपा के प्रवक्ता ही से कहेंगे कि जो हमारे माह में राष्ट्रपति जी जब मंदिर में गए थे अयोध्या, तो उनको पूजा में नहीं बैठाया गया था। अच्छा, तो हम आशा करते हैं कि अब दलितों पिछड़ों को भी मंदिर में जो है उनको जो समिति बनेगी उनको राम मंदिर में उनको अधिकार मिलेगा। हम बराबर कीजिए, आपके भी अध्यक्ष की लिस्ट मांग ली जाएगी। अभी विवेक भाई बोलेंगे कि अध्यक्ष बताइए, नितिन भाई से मांग ले, सुभाष को मांग ले। हमारी पार्टी जात पात की बात ही नहीं करती है, हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करती है, हर व्यक्ति को हेल्दी एजुकेशन मिले। जिस विषय में ज्ञान ना हो उस विषय में व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी। मैं इनसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, किस राष्ट्रपति के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं? दूसरा जो राम भूमि मंदिर ट्रस्ट है, कितने ओबीसी कितने दलित हैं उसमें कमेटी में बता दीजिए जरा सर। जो जो राम सर कितने दलित कितने ओबीसी हैं उसमें, आप इतना नाम बता दीजिए। चलिए नाम की बात हो रही है, बताइए। हम बता रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। एक भी ओबीसी नहीं है, एक नाम के लिए एक दलित है। राम एक दलित है, 15 में से एक भी ओबीसी नहीं है, ओबीसी सब ब्राह्मण है। मैं कह रहा हूँ राम जन्मभूमि वो ना बता पाएंगे जी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, जो विषय में ज्ञान हो विषय में टिप्पणी नहीं कर रहे, ज्ञान नहीं है इनको। अरे ऐसी बात कर रहे हैं भाई, जो जो जिन्होंने बड़े नेता हमारी पार्टी के बिहार से जिन्होंने शिलाएं भेजी थी उनका नाम उसमें सबसे पहले है, शिला पूजन में पहले भी आए थे जी, और उनका नाम है जी। और ऐसे में धार्मिक विषयों में इस तरह की टिप्पणी नहीं करी, जिन्होंने राष्ट्रपति का नाम लिया जी बिल्कुल। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, किस राष्ट्रपति के बारे में बता दीजिए भाई, किस राष्ट्रपति का नाम? कोविंद जी गए थे ना वहाँ पे जी, तो क्या पूजा में गए थे कि नहीं गए थे? पूजा में बैठे थे वो। अच्छा, तो उनको कौन सी पूजा से रोका गया जरा बताएं आप। आपको बताया सर, पब्लिक डोमेन में है सर, पब्लिक डोमेन में है। किस पूजा से रोका गया? पब्लिक डोमेन में है सर, जो मेन पूजा हुई थी उसमें नहीं गए थे वो। अच्छा, उसमें जो जहाँ उपस्थित रहेंगे वहाँ पूजा में गए थे क्या? बात है, वो गए थे दिल्ली से गए थे क्या उस दिन पूजा में? अरे जो मेन पूजा थी उसमें नहीं उनको बुलाया गया था सर। ये आपका मिथ्या आरोप है, और खासकर देश के प्रथम व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें जी। देश का राष्ट्रपति को इस तरह की सेवाओं में ना बांधे, वो सबसे पहले भाई। यहाँ पर जनक भाई बोल रहा है कि वो लोग उनकी पार्टी इस वर्ग को नहीं देखती है, न जाति धर्म को देखती है, शिक्षा को देखती है, अच्छा को देखती है, विकास को देखती है बस। देखिए इनकी, क्योंकि जब व्यक्ति का शिक्षा एजुकेटेड हो जाएगा वो विकास अपने आप कर लेगा सर। और आपकी सरकार 61,000 स्कूल बंद करने का काम कर रही है। कहाँ बंद कर दी? आप देखिए डिटेल दिखा लिया, 61,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। 61,000 संख्या समझते क्या? आप देखिए क्या नहीं है, तो गूगल पे सर्च कर लीजिए कहाँ बंद। अरे कौन सा गूगल,
कहां अरे 61,000 आप मिस्टर जाकर नाम पूछोगे तो आपको होगा 61,000 स्कूल बंद कर दिए आम आदमी पर सरकारी स्कूल बंद किए हैं आप आम आदमी आप स्कूल में टीचर्स नहीं है आम आदमी पार्टी वाले लोग इस तरह के आरोप लगाने के अभ्यस्त हैं अभी जब इस पे जांच होगी तो भाई आप बैकफुट पे भाग जाएंगे बैकफुट पर नहीं भागेंगे आप सुनील भाई बोलेंगे सुनील भाई हर कमेंट सुनील भाई हर कमेंट तो मिनट देर में करा लेना चाह रहा हूं गौरव जी आखिरी कमेंट सुनील भाई बोलिए दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप अपना आरक्षण छोड़ करके उस क्रीमी लेयर वाला अच्छा। आप उनको आरक्षण दीजिए हाँ। और आगे बढ़ाने का काम कीजिए अगर दिल से आप दलित शोषित और बैकवर्ड बैकवर्ड की सेवा करना चाह रहे हैं मैं जब देखता हूं कि राजनीतिक दल सवर्णों में लाभ देंगे हमें क्या मिल रहा है इस देश में आप बताइए गौरव जी देश के योगदान में हमने क्या नहीं दिया है आजादी की बिगुल बजाने वाला कौन है इस देश का और उसके बाद वही पिछड़ा वर्ग एक घृणा पैदा करने के दलित वर्ग घृणा पैदा करने के लिए इस सवर्णों ने कर दिया ये कर दिया अरे आप आइए 70 साल से मित्र आप आरक्षण ले रहे हैं उन दलितों को दीजिए अल्पसंख्यक दीजिए जो जो गरीब है उनको दीजिए ये पत्रकार है शर्म कराओ कैसी बात बोल रहे हैं 3% आबादी में हो जी और 90% लेके बैठे हो आप ये बताइए हमको नितिन जी संसाधन 90% रही है मैं खुल कह रहा हूँ आप सरकार में खाली 4 जिलों के 5 जिलों के लोगों को देखा गया उसके बाद उत्तर प्रदेश किसी बैकवर्ड देखा हो तो बताइए हमको आप त्रिपाठी जी झूठ बोलते हो सुनील त्रिपाठी झूठे आदमी कैसे आदमी ऐसा है मैं झूठा नहीं और साधन लेके बैठे हो इसीलिए जिनके तन पर रोटी लगोटी है उनको आरक्षण दीजिए मैं बात कर तैयार हूँ राष्ट्रीय चैनल कर रहा हूँ उनको मौका दीजिए जो बेचारे रोटी लगोटी आज भी तरस रहे ठीक है हो गया आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद तो यहाँ चर्चा थी महत्वपूर्ण कि जिस तरह से दलित वर्ग को लेकर सभी पार्टियों के यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर केवल एक दल नहीं यहाँ सभी दलों का प्रयास है भाई बोर्ड वर्ग बड़ा है और निश्चित रूप से अगर ये बोर्ड वर्ग आपको समर्थन देगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर लाभ होगा और सरकारें यहाँ पर बनने और बिगाड़ने की जो एक क्षमता उस वर्ग के पास है खैर इस वर्ग का कौन हितैषी है कौन विरोधी है ये जनता भी जानती है वर्ग भी जानता है पर सबसे महत्वपूर्ण बात है टीवी डिबेट्स की बात करें या बयानों की बात करें या चर्चाओं की बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर केवल और केवल दिलासे की होती है इस वर्ग का कौन खास है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस वर्ग के लड़ता है वही इस वर्ग का खास है केवल बातें करने से चर्चाएं करने से अनावरण करने से बयान देने से और केवल केवल आंकड़े दिखाने से इस वर्ग के खास नहीं हो सकते हैं ये वर्ग अगर शोषित किया गया है तो इन्हीं राजनीतिक दलों ने शोषण किया है अगर वर्ग का यहाँ पर अनदेखी हुई है तो जिन पार्टियों की सरकार देश में रही है प्रदेश में रही है ये उनकी जिम्मेदारी रही है और अगर ये वर्ग आज भी एक अलग व्यवस्थाओं के चलते गरीबी और तंगहाली की जिंदगी जी रहा है तो उसका कारण भी यही सारे राजनीतिक दल हैं अब इस दल को कौन अलग करेगा ये कोई नहीं जानता फिलहाल अब समय आ गया है कि वर्ग विचार करे कि कौन अपना है और कौन पराया है जब ये वर्ग समझ जाएगा तो निश्चित रूप से अनदेखी होनी बंद हो जाएगी और ये वर्ग विकास की मुख्य धारा में आ सकेगा इस वर्ग को पहचान करनी है कि कौन अपना है कौन पराया है क्योंकि राजनीति में कोई अपना कोई पराया नहीं होता राजनीति केवल केवल अपनी व्यवस्थाओं के लिए होती है अपने साधन के लिए होती है फिलहाल भारतीय राजनीति और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल चुनाव को देखते हुए राजनीति हो रही है और जो कार्यक्रम हो रहा है जो व्यवस्थाएं हो रही हैं जो चर्चाएं हो रही हैं जो बयान आ रहे हैं केवल राजनीतिक है इसके अलावा कुछ नहीं इस वर्ग को फैसला करना है इतिहास को देखते हुए आने वाले समय को देखते हुए कि कौन वर्ग हमारे लिए या कौन दल हमारे लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ेगा जो लड़ाई लड़ेगा उसी को ये वर्ग जनाधार देगा और जब जनाधार मिलेगा तो सत्ताएं यहाँ पलटेगी भी और बनेगी भी अन्यथा जो परंपरा है वो चलती रहेगी तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार।